डायरेक्टर जेम्स कैमरन की अवतार 2 इस दौर के उन फिल्मों में से एक है जिसने हॉलीवुड की होने के बावजूद इंडियन ऑडियंस के अपने पारिवारिक इमोशन और स्पेशल इफेक्ट के साथ गहरा नाता जोड़ लिया है। यही वजह है कि ऑडियंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीकेंड की एडवांस बुकिंग में ही तकरीबन 4 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके थे। 2009 में रिलीज हुई अवतार की कामयाबी के बाद अवतार द वे ऑफ वाटर को लेकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आसमान को छू रही थी। भाई कुछ भी हो, डायरेक्टर जेम्स कैमरन ऑडियंस को निराश नहीं करते हैं। वो आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो आपकी कल्पना से बहुत परे है, परे नहीं बहुत परे है। मगर कमाल की बात यह है कि एक अलग संसार होने के बाद भी कहानी का अलग ही कोर है। कहानी की बात करूं तो अवतार के दूसरे पार्ट में कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। पिछले पार्ट में ऑडियंस ने देखा था कि कैसे पेंडोरा को मूल्यवान खनिज की खोज थी, मगर अब इंसानों को लग रहा था कि इस धरती पर रहना मुहाल है, तो वह एक नए ग्रह की तलाश में। यहां पेंडोरा पर नावी समुदाय के जैक सली एक फैमिली मैन की तरह अपनी प्यारी पत्नी नेत्री और 4 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उनके 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियों में एक ददक पुत्री भी है, साथ ही इंसानी बच्चा स्पाइडर भी है। दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को बड़ा होते देखना माता पिता के रूप में सली और नेत्री के लिए सुखद एहसास है, मगर फिर उनकी हस्ती खेलती जिंदगी पर किसी की नजर लग जाती है। धरती के लोग जिन्हें पेंडोरा वासी स्काई पीपल के नाम से बुलाते हैं, कर्नल माइल्स की स्मृतियों और डीएनए से बनाए गए कर्नल क्वारिज के अवतार में सली से प्रतिशोध लेने के मिशन पर लगा दिया है। कर्नल के साथ आधुनिक हथियारों के साथ एक लैस टुकड़ी भी है जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, सली से बदला लेना। किसी तरह वह सली के बच्चों पर हमला करके स्पाइडर को बंधक बना ले जाते हैं। अब सली का परिवार और उनका समुदाय खतरे में है, मगर इस बार सली युद्ध के बदले युद्ध की बजाय अपने परिवार को चुनता है और परिवार की रक्षा करने के लिए सरदारी छोड़ देता है। वह मेटकाना समुदाय के टोनावरी के पास शरण लेने आता है। पेंडोरा के जंगल से निकलकर अब वह टोनावरी के ऐसे द्वीप पर है जिनके लिए समुद्र ही सब कुछ है। वह लोग एक तरह से खुद को जलजीव ही मानते हैं। अली के परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है समंदर और पानी की नई दुनिया में खुद को ढालना। शुरुआत में सली और टोनावरी के बच्चों में खूब झड़प होती है, मगर टोनावरी की बेटी हमेशा ही सली के बच्चों के प्रति सहयोगी रवैया अपनाकर उन्हें नए माहौल में ढालने में मदद करती है। सली और उसका परिवार समंदर के साथ रहने का तौर तरीका सीख ही रहा था, कर्नल अपनी टुकड़ी के साथ आ धमकता है। उसके साथ धरती का एक साइंटिस्ट भी है जो पाइकन जैसी विशाल व्हेल मछली के दिमाग से ऐसा द्रव्य निकालने के मिशन पर है जो इंसान को लंबा जीवन देने में कामयाब रहेगा। अब सली के कारण टोनावरी समुदाय भी खतरे में है। आगे क्या होगा इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बतानी भूल ही गया। तकरीबन 7 साल की कड़ी मेहनत के साथ डायरेक्टर जेम्स कैमरन अपनी अवतार की लीगेसी को बहुत ही भव्य और चौंकाने वाले अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। करीब 2000 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को देखने के बाद अंदाजा हो ही जाता है कि इसमें VFX के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। कैमरन अपनी कहानी पर फोकस बनाए रखते हैं और वो है ह्यूमन इमोशन। नावी या टोनावरी समुदाय के लोग नहीं जंगलों या समुद्रों में रहे, नहीं उनकी पूंछ या दोनों हाथ जुड़े हुए हो, मगर फीलिंग से आप उनके साथ जुड़ाव महसूस करोगे क्योंकि वो भी हमारी आपकी तरह अपने लोगों और परिवारों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। VFX की बात करें तो डायरेक्टर हमें जंगलों से समुद्र की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सब कुछ इतना खूबसूरत और जादुई है कि कुछ देर बाद आपको सच में बिल्कुल रियलिटी वाली फीलिंग आने वाली है। कैमरन की स्टोरी बिल्कुल टेलिंग जैसी लगती है। फिल्म में पानी के अंदर की दुनिया और वहां के जीव जंतु को 3D इफेक्ट में देखने का एक अलग ही मजा है। अगर इसके बैकग्राउंड स्कोर की या सिनेमाटोग्राफी की बात हो तो ये सब कुछ बिल्कुल A1 है। फिल्म में कमी है तो सिर्फ 3 घंटे और 13 मिनट का लंबा टाइम। पहला पार्ट डायरेक्टर ने कैरेक्टर्स को डेवलप करने में लगाया है जो खिंचा हुआ लगता है, मगर जब आप मूवी को 30 से 40 मिनट का टाइम दोगे उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरा रिकमेंड ये है आप लोगों को कि आपको अवतार द वे ऑफ वाटर जरूर देखनी चाहिए। भाई बिल्कुल फुल पैसा वसूल वाली मूवी है। भाई अगर यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलता हूं मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।